मात्र 18,975 रुपये दे करके आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। 4,447 रुपीज़ आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली दोस्तों। हमारे सामने प्रेजेंट है टीवीएस की अपाची आरटीआर 160 बीएस 6 फेज 2 E20 वाली आपको यहाँ पे मॉडल देखने के लिए मिल जा रही है। और ये जो बाइक है आपको 2024 की वेरिएंट है। यहाँ पे मैं आपको इसकी मैन्युफैक्चर डेट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि 28/1/2024 की आपको मैन्युफैक्चर डेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक की मंथली ईएमआई और डाउन पेमेंट क्या होने वाली है 2024 में। तो अगर आप लोग इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं 2024 में तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि इसकी जो है ईएमआई और डाउन पेमेंट लो डाउन पेमेंट क्या आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फीचर बता देता हूँ। तो देख सकते हैं कि फ्रंट में जो वाइट कलर की DRL दी गई है और फुल्ली LED का हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिल जा रहा है यहाँ पे DRL। और यहाँ पे जो लो की लाइट है आपको यहाँ पे जल रही है वाइट कलर में, और हाई की भी लाइट आपको वाइट में जलने वाली है, वो मैं आपको बाद में ऑन करके दिखा दूँगा। यहाँ पे जो है इंडिकेटर मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके की हार्ड में आपको इंडिकेटर मिल जाती है। और यहाँ पे टेल लाइट का लुक कुछ इस तरीके का आपको टेल लाइट का लुक देखने के लिए आ जा रहा है गाइस। बाकी यहाँ पे मीटर की अगर मैं बात कर लूँ तो देख सकते हैं कि RPM ऊपर देखने के लिए मिल जा रही है। और जो मीटर दिया गया है वो वाइट कलर की LED की जो लाइट है बैकग्राउंड में आपको दी गई है, देख सकते हैं। बाकी सब जो मॉडल आती है जिससे जो बेस मॉडल आती है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह नहीं देखने के लिए मिलती है, उसमें जो है येलो कलर की आपको मीटर कंसोल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे LED में आपको देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। न्यूट्रल जो गियर है आपको बताने वाली है कौन से नंबर पर गाड़ी चल रही है, किलोमीटर यहाँ शो करने वाला है। यहाँ पे जो है आपको मोड के लिए बटन दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे जो है रेन मोड फिर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अर्बन मोड, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड, तीन तरह के मोड दिए गए हैं। तो आप लोग जिस तरह के मोड पे गाड़ी चलाना चाहते हैं तो उस तरह के मोड पे इस बटन से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे घड़ी का टाइम बताने वाला है, फ्यूल आपको यहाँ से आते जाने वाली है, ट्रिप वगैरह इस बटन से आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बता रही है सब कुछ, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंजन मार्फ का लाइट, यहाँ पे ABS के लिए लाइट, यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट, यहाँ पे रिजर्व का लाइट देखने के लिए मिल जा रहा है। डिजिटल लाइट की बात कर लूँ तो आप पासिंग यहाँ पे इस साइड में इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जा रही है। तो कुछ इस तरीके की आपको फुली डिजिटल में मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जा रहा है। स्विच की बात कर लूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो कलर की पासिंग में स्विच देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे हाई और लो के लिए हाई बटन का स्विच, इंडिकेटर के लिए स्विच दिया गया है, ऑन के लिए स्विच दिया गया है, इस साइड में इंजन के स्विच, यहाँ पे मोड के लिए आपको स्विच दिया गया है, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का आपको बटन देखने के लिए मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे बटन वगैरह दी गई है। यहाँ पे एक बार इसे स्टार्ट करके मैं आपको इसकी जो है एग्जॉस्ट की साउंड और इसकी हेडलाइट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट की साउंड है कुछ इस तरीके की आ रही है। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट दिया गया है सिंगल मफलर के साथ में आपको देखने के लिए मिल जा रही है, RTR लिख करके आ रहा है इसके ऊपर में। यहाँ पे हेडलाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई ऑन करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके की विजिबिलिटी वाइट कलर की LED का लाइट की देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी थ्रो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थ्रो होने वाली है। बाकी यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी लिख करके आ रही है गाइस। और यहाँ पे जो है आपको स्टिकर की अगर बात कर लूँ तो फ्रंट में आपको मडगार्ड के ऊपर जो है आपको रेड एंड कार्बन की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाएगी। मडगार्ड जो दिया गया आपको मैट ब्लू में देखने के लिए मिल जा रही है। बाइक जो है फुल्ली जो बाइक है आपको मैट ब्लू में देखने के लिए मिल जाती है। और जो ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन दी गई है वो भी कहीं कहीं आपको कार्बन में और मैट में ही देखने के लिए मिल रही है। फ्यूल टैंक देख सकते हैं कि मैट में आ रहा है। यहाँ पे कार्बन की फिनिशिंग, लेड की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जा रही है। फ्यूल टैंक एक आपको सिल्वर में आ जा रहा है। यहाँ पे E20 का आपको बैजिंग, यहाँ पे ये जो चीज़ दी गई है प्लास्टिक में दी गई है। और इधर से आते हैं तो आप देख सकते हैं कार्बन की फिनिशिंग रेड कलर की आपको स्टिकर ग्राफिक देखने के लिए मिल जा रही है। RTFI जो रेसिंग ट्यून फ्यूल इंजेक्टर का जो लोगो है वो आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। और पाची यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख कर आ रही है RTR 160 यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। हमारा इंडियन फ्लैग आपको लोगो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पे जो है स्टिकर आपको कार्बन एंड रेड की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जा रही है। सिंगल में सीट आ जा रही है, ग्रैबेंडल आपको स्प्रिट में आ जाती है। बाकी यहाँ पे एक बार इसकी जो टायर सेक्शन है उसकी मैं अगर बात कर लूँ तो 270 mm आपको डिस्क फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे टायर साइज़ की अगर बात करें तो 90-90-17 की आपको
फ्रंट में टायर देखने के लिए मिल जाएगी 270mm का डिस्प्ले के साथ में सुपर मोटो ABS आपको इस बाइक में आ जाती है। यहाँ पर रियर टायर की अगर बात कर लूँ तो 120/70/17 की आपको रियर में टायर देखने के लिए मिल जाएगी और 200mm का आपको डिस्क प्लेट रियर में भी देखने के लिए मिल जाता है। फोल्डेबल में आपको फुटरेस्ट आ जाती है और यहाँ पे किक आपको नहीं दी गई है। यहाँ पे जो इंजन कॉल देखने के लिए मिल जा रहा है ब्लू एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ में आपको देखने के लिए मिल जा रही है। डुअल हॉर्न के साथ में आ जाती है ये बाइक और यहाँ पे जो है स्टिकर आपको TVS रेसिंग लिख करके आपको आ रही है। तो ये तो हो गई कि बाइक की फीचर्स के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। बाकी अगर कोई भी जानकारी छूट जाए तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई ज़रूर मैं कर दूंगा। और अब बात करते हैं कि इसकी जो है डाउन पेमेंट और EMI क्या आने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है ऑन रोड प्राइस क्या आने वाली है। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 156,000 रुपये आपको इसकी ऑन रोड प्राइस आने वाली है। उसके बाद 500 रुपये हाइपो का चार्ज ऐड होने के बाद अगर लोन करवाते हैं तो 500 रुपये आपको हाइपो का चार्ज ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद जो लोन का अमाउंट है वो हो जाएगा 156,500 रुपये। और उसके बाद जो है इसकी लो डाउन पेमेंट आ रही है मात्र 18,975 रुपये दे करके आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। जी हाँ, इसकी जो डाउन पेमेंट आ रही है वो है 18,975 रुपये आपको इसकी डाउन पेमेंट आ रही है, लो डाउन पेमेंट। और EMI की अगर बात कर लूँ तो 12 महीने के लिए अगर आप इसको लोन करवाते हैं तो 13,510 रुपये के आसपास आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है। 24 महीने के लिए अगर लोन करवाते हैं तो 7,468 रुपये आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है। और 36 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो 5,455 रुपये के आसपास आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है। और लास्ट है कि 48 मंथ के लिए अगर आप इसकी EMI करवाते हैं तो उसकी जो EMI है 4,447 रुपीज़ आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है। तो ये तो हो गई कि जो है लो डाउन पेमेंट आ रही है आपको 18,975 रुपये और लो EMI आ रही है 4,447 रुपये आपको इसकी लो EMI। अब बात करते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करनी है तो वो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि 51,822 रुपये आपको इसकी ज़्यादा डाउन पेमेंट आने वाली है। और मंथली EMI की बात कर लूँ तो 12 महीने के लिए अगर लोन करवाते हैं तो 10,155 रुपये आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है। 24 महीने के लिए अगर लोन करवाते हैं तो 5,614 रुपये आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है। 36 महीने के लिए अगर लोन करवाते हैं तो 4,100 रुपये आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है। और 48 मंथ के लिए अगर EMI करवाते हैं तो 3,348 रुपये आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है। और बाकी ये है जो है सुशांत भैया का नंबर, तो आप लोग इनसे बात कर सकते हैं। यहाँ के फाइनेंसर है, बजाज फाइनेंसर है। तो ये जो है डाउन पेमेंट और ये एक डाउन पेमेंट, यहाँ पे ऑन रोड प्राइस बताया गया है, हाइपो का चार्ज अगर लोन करवाता है तो हाइपो का चार्ज आपको लग जाता है। और यहाँ पे ये जो है टोटल प्राइस आने वाली है, उसके बाद डाउन पेमेंट इतना और यहाँ पे EMI। और ये जो EMI है अगर जिनकी सिविल 750 से प्लस हुई उनके लिए ये डाउन पेमेंट मैंने बनवाया है, और जिनकी सिविल अगर थोड़ी सी ख़राब हुई 700 से नीचे हुई उनके लिए ये है डाउन पेमेंट। हाँ, अगर ये आपको चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन आपका जो है ओवरड्यू वगैरह नहीं होना चाहिए, सिविल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने लोन लिया होगा तो लोन की जो है EMI वगैरह नहीं गिरी होगी, तो इतने डाउन पेमेंट में आराम से आप लोग इसे ले जा सकते हैं। 20 से 25,000 डाउन पेमेंट करके आप इस बाइक को आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगी। तो डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, ATM, बिजली बिल का स्लिप और बैंक स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें लेकर के आनी होगी, तो आपका जो लोन का प्रोसेस है वो ईजी वे में हो जाएगा। यहाँ का एड्रेस मैं बता दूँ कि संगीता TVS के नाम से ये शोरूम है जो पटना सगुना मोड़ के पास में है। और यहाँ पे आकर के आप लोग TVS की कोई भी बाइक अगर परचेस करनी हो या स्कूटी परचेस करनी हो तो आप लोग यहाँ पे आकर के आराम से उस बाइक या स्कूटी को परचेस कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको फुल एड्रेस और जो है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग को मुझसे बात करनी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे इंस्टाग्राम का नाम आ रहा होगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके DM करना, वहाँ पे मैं आपसे बात कर लूँगा इंस्टाग्राम कॉल के थ्रू, या जब मैं लाइव आऊँगा तो जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी प्राइस वगैरह किसी भी बाइक की तो वो सब मैं आपको लाइव में बता दूँगा गाइस। बाकी अगर ये बाइक किसी को लेनी हो तो उसे आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अपडेट लेने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।